गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज खाने में जो है बहुत ही सिंपल से मैं बना रही हूँ आलू का, आप इसे चाहे भरता बोल लीजिए, सिंपल से इसका बहुत जल्दी में बहुत कुछ सिंपल से बनाना होता है तो मैं यही बनाती हूँ। बेसिकली आज जो है वो हनी बनी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है शायद उनको लूज मोशन हो रहा है, तो मे बी शायद मुझे उनको कुछ मेडिकेयर करने के लिए या तो मेडिसिन ला के देनी हुई है। एक बार मैंने तेल जो है वो गर्म होने के लिए ले लिया है, देन थोड़ा सा ये गर्म होगा तड़का डालेंगे। आप लोग के पास अगर कुछ ऐसा सुझाव है या एडवाइस है हनी बनी के लूज मोशन से रिलेटेड, एक्चुअली उसके लूज मोशन हो रही है, मैंने गूगल किया था देन मैंने चेक किया तो हाँ वो लूज मोशन टाइप की लग रहा है, तो अगर कोई ऐसा है तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे मैंने गैस ही नहीं ऑन किया था, डायरेक्ट तड़का दे जीरा जो है वो पक चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। थोड़ा सा अच्छे से प्याज को जो है वो फ्राई कर लेंगे तेल में, आलू ऐड कर दिए, प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके थे, इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें धनिया नमक हल्दी ये ऐड कर देंगे पहले, इधर इसको धीमी आंच से थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी सौंधी सौंधी इसमें खुशबू आए। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, हम ऐड कर देंगे भुना हुआ जीरा, ये मस्त है। बस ये बन चुका है ऑलमोस्ट, बस हम इसमें धनिया पत्ता जो है ऊपर से ऐड कर देंगे। दिखने में तो ये बहुत सिंपल सब्जी लगती है, ये हमारी आलू की सूखी सब्जी बनके तैयार है। आइए आप सब लोग, आप लोग भी हमारे साथ लंच करिए। इधर ये राइस बन गए हैं और दाल भी हो चुकी है, बस दाल में तड़का लगाना बाकी है। हनी बनी, बनी कैसी तबीयत है तुम्हारी? थोड़ा थोड़ा खाओ, आराम से खाओ। और बनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लूज मोशन आ रहे हैं। और ये रहा मिट्टू,
काम सिखाओ बनी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। बनी और ये आज मम्मा ने बेटू का अलमारी पूरा ठीक कर दिया है, सब कुछ सही से लगा दिया है और बेटू भी आज नहाया है। हाय कर दो सबको। हाय मैं ठीक, आप अच्छा कैसे हैं? प्रणाम करो। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।